दोस्तों, आज हम अपने YouTube चैनल में आपको एरिया एंड पैरामीटर के बारे में पढ़ाएंगे। एरिया क्या होता है दोस्तों? किसी आकृति की सीमा रेखाओं के अंदर घिरे हुए धरातल या क्षेत्र के परिमाण को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। अपने शब्दों में कह सकते हैं, किसी आकृति को द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है उसे उस स्थान आकृति का क्षेत्रफल बोलते हैं। और परिमाप दोस्तों, पैरामीटर को हिंदी में हम परिमाप कहते हैं। परिमाप क्या होता है दोस्तों? किसी आकृति का परिमाप उसकी सभी भुजाओं के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब है दोस्तों, उस आकृति की जितनी भुजाएं होती है, जितना आर्म होती है, उन सभी आर्म का ऐड कर दें, वही योग ही उसका परिमाप कहलाता है दोस्तों। अब बात करते हैं चतुर्भुज की। दोस्तों, चतुर्भुज किसे कहते हैं? किसी आकृति दोस्तों चार भुजाओं से बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। दोस्तों, कोई भी चार भुजा हो, लंबाई कितनी भी हो, चौड़ाई कितनी भी हो, चार भुजाओं से बनी आकृति दोस्तों ये चतुर्भुज कहलाती है। और अब टाइप ऑफ चतुर्भुज दोस्तों, चतुर्भुज के प्रकार मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट टाइप होता है चतुर्भुज का वर्ग दोस्तों। वर्ग दोस्तों इसे कहते हैं, वर्ग जिनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है दोस्तों। वर्ग एक ऐसी आकृति है, चतुर्भुज एक ऐसी चतुर्भुज है जिनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर थे, ए चारों साइड आपस में बराबर होते हैं और इसके विकर्ण जो होते हैं बराबर होते हैं और एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं दोस्तों। एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं और वर्ग का एक खासियत होती है सर दोस्तों, इसका प्रत्येक एंगल जो है 90 एंगल का होता है दोस्तों। अगर वर्ग का एक भुजा ए है दोस्तों, तो इसका सारी भुजाएं ए ए ए चारों भुजाएं सेम होंगी दोस्तों। माना ए बी सी डी मेरा वर्ग है दोस्तों। और आपको पता होगा दोस्तों, ये जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज का प्रत्येक एंगल का अगर योग कर दें तो 360 होता है दोस्तों। कि कैसा भी चतुर्भुज हो, ए बी सी डी कोई कैसा भी चतुर्भुज, अगर उनके चारों भुजाओं का, चारों कोणों का अगर योग करते हैं तो 360 एंगल आता है दोस्तों। कोण ए, कोण बी, कोण सी प्लस कोण डी, ये दोस्तों हमेशा आपको 360 एंगल ही मिलेगा। अब दोस्तों हम आते हैं अपने वर्ग में। इसी तरह दोस्तों, अगर बात करें वर्ग का, तो वर्ग का भी प्रत्येक अगर कोणों का योग करेंगे तो 360 एंगल ही आएगा, 360 डिग्री ही आएगा दोस्तों। रही बात वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकालना हो दोस्तों, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है दोस्तों, ये होता है भुजा का वर्ग। मतलब दोस्तों, भुजा की लंबाई ए है तो ए का वर्ग, एरिया ऑफ वर्ग जो है ए स्क्वायर होता है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल। अगर दोस्तों, अगर मुझे किसी भी वर्ग का एक साइड दिया हो, ए इक्वल टू अगर भुजा 4 सेंटीमीटर दिया हो, तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो इस वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों 4 × 16 मात्रक लिखते हैं दोस्तों। इसका मतलब इकाई होता है, इतना इकाई इसका दिया हो, ए इक्वल टू अगर भुजा 4 सेंटीमीटर दिया हो, तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो इस वर्ग का,
तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा भुजा का वर्ग, ए का वर्ग मीन्स 4 का वर्ग इक्वल टू 4 चौक 16 मात्रक लिखते हैं दोस्तों। इसका मतलब इकाई होता है, इतना इकाई इसका, सॉरी सॉरी सॉरी, ये होगा दोस्तों, ये होगा वर्ग मीटर, मीटर का स्क्वायर होगा, सॉरी दोस्तों। इसका वर्ग क्षेत्रफल जो होता है, कोई भी क्षेत्र क्षेत्रफल होता है उसका वर्ग मीटर में होता है, वर्ग मीटर सेंटीमीटर जो भी जिस यूनिट में दिया होता है उसका वर्ग हो जाता है यूनिट में दोस्तों। तो हो जाएगा 16 मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, अगर मीटर में होता तो मीटर में, अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब दोस्तों 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, मीटर नहीं दोस्तों, अगर मीटर में, अगर मीटर में होता तो मीटर स्क्वायर हो जाता दोस्तों ये। चलो अब वर्ग का अगर विकर्ण मुझे निकालना हो दोस्तों, वर्ग का विकर्ण निकालना हो, विकर्ण होता दोस्तों वर्ग का, वर्ग का विकर्ण काउंट करना हो दोस्तों, वर्ग का विकर्ण दोस्तों, अगर मुझे वर्ग का विकर्ण निकालना हो तो कैसे काउंट कर निकालेंगे। देखो दोस्तों, ए विकर्ण है, ए भुजा, ये दोनों भुजा आपस में बराबर हैं दोस्तों, और एंगल 90 है, तो दोस्तों एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा होगा आपको, एक समकोण त्रिभुज है, और दोस्तों मुझे समकोण त्रिभुज कहीं भी दिखता है तो मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, क्या होगा दोस्तों, सी वी स्क्वायर इक्वल टू होता है आधार का वर्ग सी डी स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग दोस्तों, वी डी का स्क्वायर दोस्तों। मान लो विकर्ण की लंबाई d है, क्योंकि दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे दोस्तों, तो d का वर्ग इक्वल टू हो जाएगा, d का वर्ग इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, दोनों भुजा आपस में बराबर है, आधार और लंब आपस में बराबर है दोस्तों, तो दोनों की साइड ए ए है, तो हो जाएगा ए का वर्ग प्लस ए का वर्ग दोस्तों, तो हो जाएगा डी स्क्वायर इक्वल टू होगा 2 ए स्क्वायर दोस्तों, तो d इक्वल टू हो जाएगा, अंडर रूट इधर आ जाएगा दोस्तों, वर्ग घटेगा 2 ए स्क्वायर दोस्तों, तो यहाँ से मैं ए स्क्वायर को बाहर ले लूँगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा ये, तो हो जाएगा ए अंडर रूट 2 दोस्तों, तो d इक्वल टू हो जाएगा ए अंडर रूट 2 दोस्तों। अब मुझे किसी भी वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकालना हुआ तो भुजा का वर्ग कर देंगे, अगर किसी भी वर्ग का मुझे विकर्ण निकालना हुआ ए रूट टू कर देंगे, मतलब उसके भुजा का रूट टू गुना कर देंगे, वही उसका विकर्ण होगा दोस्तों। और रही बात वर्ग का परिमाप दोस्तों, परिमाप, परिमाप क्या होता है दोस्तों, परिमाप, परिमाप किसी भी आकृति के घिरी हुई वो आकृति जितनी भुजाओं से घिरी हुई है उन सभी भुजाओं को अगर ऐड कर देंगे वही उसका परिमाप होता है दोस्तों। तो इस वर्ग में देखेंगे आप 1 2 3 4, चारों भुजाएं, चार भुजाओं से बनी आकृति है वर्ग, तो चारों भुजाओं को आपस में ऐड कर लेंगे, ए दोस्तों देखो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू 4 ए। तो दोस्तों इसको हम एज ए फार्मूला भी याद कर लेते हैं, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप इक्वल टू 4 ए दोस्तों। कहीं भी मुझे परिमाप निकालो, अगर भुजा दिया हो तो उसका परिमाप हो जाएगा वर्ग का 4 ए दोस्तों। अब हम आपको आयत के बारे में, ये भी एक चतुर्भुज का ही दूसरा रूप आयत है, तो दोस्तों आयत, मैं आपको अब आयत के बारे में बताएंगे दोस्तों। दोस्तों आयत ऐसी एक समांतर चतुर्भुज है, दोस्तों आयत जो है एक चतुर्भुज है जिसमें चार भुजाएं होती हैं, बट
चतुर्भुज में दोस्तों आमने सामने की भुजाएं बराबर, अगर ये 3 है तो ये भी 3 सेंटीमीटर रखोगे, अगर ये 2 का है तो ये भी ये 2 सेंटीमीटर। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि चतुर्भुज आयत जो होता है उसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और आयत का विकर्ण जो होता बराबर होता है और एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। अगर ये 2 है बराबर भी होता है और एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। पहली खासियत आयत की, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ए भुजा इसके बराबर होती है, ए भुजा इसके बराबर होती है, और इसके विकर्ण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं, इसके भुजा आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे को, दोस्तों वर्ग में क्या है, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, बट आयत में एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते हैं बट लंब समद्विभाजित नहीं करते हैं। और जिस तरह वर्ग का एक कोण 90 एंगल का होता है, इसी तरह आयत में भी प्रत्येक कोण 90 एंगल का होता है, ABCD प्रत्येक कोण 90 एंगल का होता है दोस्तों। तो मुझे दोस्तों अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो दोस्तों अगर मुझे वर्ग, सॉरी दोस्तों आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा दोस्तों, तो वर्ग में दोस्तों क्या होता था, भुजा, चूंकि आप दोनों भुजा आपस में बराबर होते, चारों भुजा बराबर होते हैं, तो भुजा गुणे, चूंकि होता था लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई भी है चौड़ाई भी है, तो हो जाता था भुजा का वर्ग। बट दोस्तों इसमें क्या होता है, यदि आयत का लंबाई एल हो चौड़ाई वी हो, तो लंबाई और गुणे चौड़ाई लगाएंगे तो हो जाएगा एल वी। दोस्तों आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, एल इंटू वी। दोस्तों इसके एज ए फार्मूला याद कर लेते हैं, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। इसी तरह दोस्तों आयत का परिमाप निकालना हुआ, परिमाप दोस्तों आपको पता है आयत का परिमाप दोस्तों वो होता है, वह आकृति जितने भुजाओं द्वारा आपस में घिरी हुई होती है उन सभी भुजाओं का आपस में ऐड कर लेते हैं, वही उसका परिमाप होता है दोस्तों। तो देखो 4 भुजाएं सब दोस्तों, ए और ए आपस में बराबर, अगर ए एल है तो ए वी एल होगा दोस्तों, ए बी है तो ए बी बी होगा, तो दोस्तों 2L + 2V इसका परिमाप हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे दोस्तों, L + V। दोस्तों ये हो जाएगा आयत का परिमाप, आयत का परिमाप दोस्तों हो जाएगा 2L + V। दोस्तों इसको एज ए फार्मूला भी मैं याद कर सकता हूँ, किसी आयत का परिमाप 2 × L + V होता है। दोस्तों अब हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लिए, L × V, आयत का परिमाप 2 × L + V। अब दोस्तों आयत का हम निकालेंगे विकर्ण, दोस्तों आयत का विकर्ण मुझे निकालना हुआ तो देखेंगे एज सेम जिस तरह मैंने वर्ग में किया था। दोस्तों देखो ए, चूंकि वर्ग में आयत में दोस्तों ए विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं, वर्ग में क्या होता है दोस्तों बराबर तो होते हैं, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, बट इसमें क्या है, ए आयत में बराबर होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ना कि लंब समद्विभाजित, और वर्ग में ही प्रत्येक एंगल 90 एंगल का होता है और आयत में भी एंगल 90 का होता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं यहां देखूंगा ए त्रिभुज DVC, ये भी एक राइट एंगल त्रिभुज, चूंकि प्रत्येक एंगल 90 का दोस्तों, तो यहां पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे दोस्तों। तो लगाते हैं दोस्तों, देखिए तो हो जाएगा दोस्तों DV का वर्ग दोस्तों, तो हो जाएगा DV का वर्ग इक्वल टू दोस्तों DC का वर्ग, देखो DC का वर्ग प्लस दोस्तों CV का वर्ग, तो हो जाएगा CV का वर्ग दोस्तों। तो हो जाएगा दोस्तों विकर्ण, अगर इसका D हो दोस्तों तो हो जाएगा
डी का वर्ग इक्वल टू लंबाई, लंबाई दोस्तों एल का वर्ग, लंब लंब दोस्तों चौड़ाई, चौड़ाई मतलब बी दोस्तों, बी का वर्ग तो हो जाएगा दोस्तों डी का वर्ग इक्वल टू एल का वर्ग प्लस वी का वर्ग। तो दोस्तों यहाँ से डी हटेगा, इधर वर्गमूल आ जाएगा दोस्तों, लग जाएगा अंडर रूट में, हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर दोस्तों। तो दोस्तों वर्ग का विकर्ण जो हो गया डी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, वर्ग का विकर्ण नहीं दोस्त सॉरी दोस्तों आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण है इसको एज ए फार्म दोस्तों, इसको एज ए फार्मूला भी याद कर सकते हैं दोस्तों, इसको एज ए फार्मूला भी याद कर सकते हैं दोस्तों। अब हम आपको समचतुर्भुज के बारे में बताएंगे दोस्तों, ये भी एक चतुर्भुज ही है, बट इसमें क्या होता है दोस्तों समचतुर्भुज में दोस्तों, जैसे कि नाम से क्लियर हो समचतुर्भुज मतलब चारों भुजाएं आपस में बराबर दोस्तों, देखने में तो नहीं लग रहा है बट क्या होता है दोस्तों समचतुर्भुज होता है उसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब आप कहेंगे वर्ग में भी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, हाँ होती हैं दोस्तों वर्ग में भी चारों भुजाएं आपस में बराबर, बट वर्ग में भी दोस्तों विकर्ण जो होता है एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, हाँ दोस्तों इसमें भी विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं दोस्तों, उसकी डिफरेंस समझना दोस्तों। वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, वर्ग में भी विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, इसमें भी एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, बट दोस्तों डिफरेंस क्या है वर्ग और समचतुर्भुज में। वर्ग में क्या होता है एक एंगल जो होता है प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है दोस्तों, बट समचतुर्भुज में प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का नहीं होता दोस्तों, ये एंगल 90 का नहीं होता, अगर 90 एंगल खो जाएगा दोस्तों तो ये वर्ग हो जाएगा, और बाकी भुज लम्ब विकर्ण आपस में लम्ब समद्विभाजित करते ही दोस्तों, ये रही डिफरेंस दोस्तों वर्ग और समचतुर्भुज में। और दोस्तों रही बात अगर मुझे वर्ग का समचतुर्भुज का चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो दोस्तों, तो इसका होता है दोस्तों 1/2 d1 इंटू d2, अगर दोस्तों ये विकर्ण d1 हो और ये विकर्ण d2 हो जाएगा दोस्तों 1/2 d1 इंटू d2 दोस्तों, ये रही फार्मूला दोस्तों। इसको अगर मुझे कहीं भी समचतुर्भुज का दोस्तों क्षेत्रफल निकालना हुआ तो उसका क्षेत्रफल होगा हाफ इंटू d1 इंटू d2, मतलब मीन्स 1/2 इंटू पहला विकर्ण की लंबाई इंटू दूसरे विकर्ण की लंबाई, ये दोस्तों है विकर्ण का क्षेत्रफल। और परिमाप दोस्तों समचतुर्भुज का परिमाप निकालना होगा, परिमाप समचतुर्भुज समचतुर्भुज का दोस्तों परिमाप निकालना होगा दोस्तों, समचतुर्भुज का परिमाप निकालना होगा। तो इसमें क्या होता है परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति की चारों भुजाओं का ऐड करते हैं वो इसका परिमाप होता है दोस्तों। इसमें भी अगर ए भुजा चूंकि वर्ग की तरह इसके भी सारे भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, तो दोस्तों चार ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू 4a, तो दोस्तों वर्ग की तरह समचतुर्भुज का परिमाप भी परिमाप 4a होता है दोस्तों परिमाप, इसको दोस्तों एज ए फार्मूला भी याद कर सकते हैं दोस्तों। एक एक बात और बताता हूँ आपको दोस्तों, एक बात और बताता हूँ समचतुर्भुज में। वर्ग में दोस्तों क्या होता है एक एंगल 90 होता है, इसमें 90 का नहीं होता दोस्तों, और वर्ग में क्या विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, और वर्ग के दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर भी होती है दोस्तों, बट
इसमें ऐसा नहीं होता दोस्तों, यदि समचतुर्भुज दोस्तों एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं कि इसकी लंबाई दो है तो इसकी भी लंबाई दो हो, ना दोस्तों, इन दोनों की लंबाई, दोनों बिकड़ की लंबाई डिफरेंस हो सकती है। ओके दोस्तों, अब मैं वर्ग का विकर्ण दोस्तों निकालना बताता हूं आपको। विकर्ण ऑफ विकर्ण दोस्तों, अब विकर्ण मैं निकालना आपको बताऊंगा। विकर्ण लिख देता हूं, अच्छा समचतुर्भुज का दोस्तों, समचतुर्भुज का विकर्ण दोस्तों, राइटिंग पे ध्यान मत देना। देखो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अब मुझे वर्ग का वर्ग निकालना होगा दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों, एंगल चूंकि दोस्तों जो होता है समचतुर्भुज का, ओ सॉरी दोस्तों, समचतुर्भुज का विकर्ण दोस्तों एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते, एंगल 90 का होता है दोस्तों। अगर ये 90 का होगा दोस्तों, ये आधार हो जाएगा दोस्तों, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देना दोस्तों, ये लंब, ये आधार, ये लंब, इसका कर्ण हो जाएगा दोस्तों। मानो समचतुर्भुज है ए वी सी डी और बीच में दोस्तों मान लेते हैं ओ है, तो दोस्तों यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों आपको पता है पूरी लंबाई अगर डी वन है तो इसका आधा हो जाएगा डी वन बाई टू दोस्तों, इसी तरह अगर पूरी लंबाई डी टू है दोस्तों तो इसका आधा लंबाई हो जाएगा डी टू बाई टू दोस्तों, ये लंबाई यहाँ तक की दोस्तों, ये लंबाई यहाँ तक की दोस्तों, तो लगा दिए पाइथागोरस प्रमेय। होगा क्या दोस्तों, ए बी का वर्ग दोस्तों, लगाता हूँ दोस्तों, ए बी का वर्ग दोस्तों, ए बी का वर्ग, फिगर में देखिए दोस्तों, ए बी का वर्ग, ए ओ का वर्ग, ओ बी का वर्ग, ए ओ का वर्ग, ओ बी का वर्ग, ए ओ का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग दोस्तों, तो हो जाएगा ए बी का वर्ग दोस्तों। यहाँ से दिखाता हूँ दोस्तों आपको, ए लंबाई कर्ण इसका ए है, तो ए का वर्ग हाफ बाई इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग हो दोस्तों, तो हो जाएगा दोस्तों ए का वर्ग इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों डी वन बाई टू का वर्ग दोस्तों प्लस डी टू बाई टू का वर्ग दोस्तों। तो दोस्तों हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू डी वन वन फोर, ये हो जाएगा दोस्तों प्लस डी टू का स्क्वायर वन, ये दो हाफ है दोस्तों, दो का वर्ग फोर हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा ए इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट डी वन अपान फोर, डी वन स्क्वायर अपान फोर प्लस डी टू स्क्वायर अपान फोर दोस्तों। तो दोस्तों होगा क्या, अब यहाँ पे दोस्तों फोर फोर दोनों में कॉमन लेना, एक प्रोसेस, पूरा प्रोसेस बताता हूँ आपको, इंड तक बताऊँगा दोस्तों, एक वन अपॉन फोर कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, तो हो जाएगा डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर दोस्तों बचेगा, तो यहाँ से दोस्तों वन बाई फोर को बाहर लेंगे अंडर रूट से, तो वन अपॉन टू होकर बाहर आएगा दोस्तों, तो हो जाएगा डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर दोस्तों इक्वल टू, तो दोस्तों सॉरी इक्वल टू होगा दोस्तों, तो इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन टू अंडर रूट डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों हम इस फार्मूला से, अगर दोस्तों भुजा दिया हो, एक विकर्ण दिया हो, तो दूसरा विकर्ण काउंट कर लेंगे सर, कैलकुलेट कर लेंगे दोस्तों। अगर दोनों विकर्ण दिया हो दोस्तों, तो हम भुजा काउंट
निकाल लेंगे दोस्तों यहाँ से। तो इसको दोस्तों एज ए फार्मूला वी से मैं याद कर सकता हूँ दोस्तों। दोस्तों अब हम आपको अगले चतुर्भुज के बारे में बताऊंगा, समांतर चतुर्भुज। दोस्तों समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिनके आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती है, मतलब समांतर होती है। दोस्तों समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज है जिनके ए भुजाएं, ये दोनों भुजाएं पैरेलल होते हैं, मतलब दोनों के बीच जो एंगल होता है 0 डिग्री का होता है। दोस्तों दोस्तों ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होती हैं और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होती हैं और आमने सामने की भुजाएं दोस्तों आपस में बराबर भी होती हैं। अगर ये 3 सेंटीमीटर का दोस्तों तो ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा, अगर ये 2 का होगा तो ये भी 2 का होगा। कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, मतलब पैरेलल होती हैं और आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है दोस्तों। और समांतर चतुर्भुज का दोस्तों क्षेत्रफल जो होता है, अगर दोस्तों हम यहाँ से लंब डाल दें और इसकी लंबाई h हो दोस्तों, और दोस्तों मान लो इसका आमने सामने भुजाएं a हो तो a भी होगा, अगर f भी है दोस्तों तो a भी होगा। तो क्षेत्रफल दोस्तों क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोस्तों हो जाएगा वेस इंटू हाइट दोस्तों, मीन्स ए इंटू एस, आधार इंटू लंब दोस्तों, तो हो जाएगा ए इंटू एस। और दोस्तों समांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालना होगा दोस्तों। परिमाप तो दोस्तों आप लोग जानते हो, परिमाप दोस्तों समांतर चतुर्भुज का अगर परिमाप निकालें दोस्तों, परिमाप आपको पता होगा चारों भुजाओं का योग कर लेंगे वही इसका परिमाप होगा दोस्तों। तो हो जाएगा ए बी दोस्तों, हो जाएगा 2a + 2b, मीन्स 2 कॉमन लेंगे a + v दोस्तों, परिमाप हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा दोस्तों। इसको फार्मूला की तरह भी याद कर सकते हैं। याद क्या करें दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी आकृति को उसको चारों भुजाओं का योग कर लेंगे वो इसका परिमाप होता है, याद करने की इसमें कुछ है ही नहीं दोस्तों। बाकी इसका क्षेत्रफल दोस्तों बेस इंटू जिस पर लंब डालेंगे वही उसका हो जाएगा दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों जितना पढ़ाए अभी तक आपको समझ आ गया हो दोस्तों। अब चतुर्भुज की हम 5वीं आकृति की बात करते हैं, समलंब। दोस्तों समलंब एक ऐसी आकृति है चतुर्भुज की जिसमें एक युग्म जो होता है, मतलब एक आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं, बस समलंब दोस्तों ऐसी होती है, केवल उसमें एक युग्म जो है आपस में पैरेलल होता है दोस्तों। ऐसी आकृति दोस्तों देखे तो पैरेलल की होती है, समलंब की दोस्तों, ए दोनों लाइन आपस में दोस्तों पैरेलल है, एक युग्म जो होता है इसमें पैरेलल होता है, बाकी अदर जो होते हैं वो पैरेलल नहीं होते दोस्तों। तो इसका दोस्तों ए युग्म जो है पैरेलल, एक युग्म पैरेलल होता है दोस्तों। और रही बात दोस्तों, मान लो इसको दोस्तों ए है, ए वी है दोस्तों, इसकी एक भुजा मानता हूँ दोस्तों ए वी सी डी, ये समलंब दोस्तों। तो कोई जरूरी नहीं दोस्तों इसमें आमने सामने की भुजाएं पैरेलल तो होती हैं, एक युग्म जो है चाहे ए दोनों हो चाहे, मतलब एक युग्म पैरेलल होगा दूसरा युग्म पैरेलल नहीं होगा दोस्तों, एक युग्म पैरेलल होगा, बट कोई जरूरी नहीं दोस्तों कि पैरेलल हो और इक्वल हो, ना पैरेलल हो बस इतना काफी है दोस्तों। तो दोस्तों फार्मूले से आपको पता ही चल रहा होगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों फिगर से आपको पता ही चल रहा होगा। अब इसका परिमाप दोस्तों निकालना होगा। तो दोस्तों परिमाप क्या होता है, किसी आकृति की उसके चारों भुजाओं को ऐड कर लेंगे, तो परिमाप आप निकाल लोगे दोस्तों, चारों भुजाएं दी रहेंगी उसको आप ऐड कर लोगे।